बहुत लोग शरद पूर्णिमा के रहस्य को नहीं जानते। ये शरद पूर्णिमा उस समय शुरू हुआ था जब श्री कृष्ण जी धरा के ऊपर आए थे और विशेष रूप से लोग होली को त्यौहार के रूप में मनाते हैं, दीपावली को त्यौहार के रूप में मनाते हैं, भिन्न भिन्न त्यौहारों को मनाते हैं। लेकिन जब आप शरद पूर्णिमा को समझोगे, इसके महत्व को समझोगे, इसे जानने का प्रयास करोगे, तब आपको समझ आएगा शरद पूर्णिमा सबसे विशेष होता है, क्योंकि इस दिन समय भगवान श्री कृष्ण ने रास इस धरा के ऊपर किया था। रास का खेल बिल्कुल अलग खेल होता है। उसके अंदर इस प्रकार साधारण जीवों की तरह से नहीं होता, वो विशेष रूप से होता है। श्री कृष्ण जी जब धरा के ऊपर थे, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं कि जा करके घर घर किसी गोपियों को बुला के लाए हों, राधा रानी को बुला के लाए हों, किसी को निमंत्रण दिया हो, कुछ और किया हो, बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने राधा रानी जब आई तो उन्होंने विशेष उन्होंने कहा कि आप बुलाइए गोपियों को। राधा ने उन्होंने कहा ठीक है मैं बुलाता हूँ। उन्होंने अपनी मुरली उठाई और मुरली से जो स्वर निकला वो स्वर ऐसा स्वर था कि लोग उन्हीं को सुनाई दिया जो योग्य थे, जो पात्र थे, जो अधिकारी थे, उन्हीं को सुनाई दिया। आप सोचिए वहाँ हिमालय के ऊपर शिव दौड़े आ रहे हैं और पास के बिल्कुल नज़दीक के गांव में लोग सो रहे हैं, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। पास के घरों में लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं, उन्हें एक शब्द एक आवाज़ भी नहीं सुन रही, लेकिन वहाँ हिमालय के ऊपर शिव सुन रहे हैं, वो भागे आ रहे हैं। उन्होंने जब ये बजाई सबके हृदय को जा करके छू गई। कुछ वो लोग थे जिन्होंने सदियों सदियों तपस्या की थी, कुछ ऋषि मुनि थे जिन्होंने युगों युगों तपस्या बैठ करके की थी, कुछ ऐसे जीव ऐसी महान आत्माएं धरती के ऊपर अवतरित हुई थी देवों की, वो कुछ लोग जो जीवन मुक्त हो गए थे, बस केवल लीला में सहायक बनना चाहते थे, कुछ वो लोग जो केवल रास की इच्छा के कारण ही जिनका जन्म हुआ था, केवल एक इच्छा अंदर में थी कि हम श्री कृष्ण की प्रियतमा बने। वैसे तो सब आत्माएं भगवान की प्रियतमा ही होती हैं, सब की सब जितनी आत्माएं हैं उसी की प्रियतमा होती हैं। आप जब ध्यान करोगे, सुमरण करोगे, ये प्रियतमा किस लिए बोला जाता है? बहुत से हमारे संतों ने, कबीरदास ने भी, नानक जी ने भी, बहुत से संतों ने कहा हम तो परमात्मा की प्रियतमाएं हैं। ये शब्दों का क्यों प्रयोग किया जाता है? क्यों इसलिए प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा को माना जाता है और परमात्मा की जो भक्ति करता है, उसे जो प्रेम करता है, उसके अंदर जो विरह होती है, उसके अंदर जो इंतज़ार होता है, इंतज़ार आपने सुना होगा, इंतज़ार कुछ लोग तो दो पल का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, कुछ लोग तो अभी भी देर हो रही थी, बड़ा मुश्किल हो जाता है इंतज़ार करना। इंतज़ार शब्द बड़ा छोटा सा है,
लेकिन एक एक पल कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो आत्माएं युगों से के इंतजार में थी। कितने युग बीत गए होंगे परमात्मा के साथ लीला में सहायक होने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनको सब कुछ अर्पण कर देने के लिए, अपना कुछ भी शेष न बचा करके रखने के लिए। ये नहीं था, बीच में कुछ भी नहीं था, दोनों आत्मा और परमात्मा का मिलन था, खेल चल रहा था। इंतजार करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इंतजार करके सब कुछ पा लेते हैं। तो जो रास की बांसुरी बजाई, उससे हृदय एक एक जो योग्य और पात्र जीव थे छटपटाने लगे। छटपटाहट शुरू हो गई प्रेमियों की तरह से, जिस प्रकार से प्रेमी नजर न आए तो छटपटाहट शुरू हो जाती है, जिस प्रकार से माँ को एक बच्चा नजर न आए तो छटपटाहट शुरू हो जाती है, जिस प्रकार से गाय को अपना बछड़ा नजर न आए तो छटपटाहट शुरू होने लगती है, माँ में भी और बछड़े में भी। तो उसी प्रकार से छटपटाहट सी शुरू होने लगी। जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही बांसुरी की, वहाँ वहाँ तक के जीव। आप सोचते होंगे एक बांसुरी की आवाज़ कहाँ तक जा सकती है? 2 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती। आप देखिए हिमालय से ले करके और अनंत, वहाँ दूसरे लोकों तक के ऋषि उतर करके आ गए रास में सहायता के लिए, और सबके सब इकट्ठा हो गए रास खेलने के लिए। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि तीनों लोकों के अंदर वो मुरली सुनाई दी और तीनों लोकों के अंदर उसका खेल हुआ। तीनों लोकों के जीवों के अंदर छटपटाहट जाग गई। कौन से जीवों के अंदर? उन जीवों के अंदर जो योग्य और पात्र थे। किन जीवों के अंदर? जिनको वो जगाना चाहता था। किन जीवों के अंदर? जिनको अनंत तपस्या की थी। वो सब जीव भागने लगे, उनका हृदय साथ छोड़ने लगा, और रात में ही खड़े हो करके किन्हीं को वस्त्रों का ध्यान रहा, किसी को नहीं रहा। कोई वस्त्रों को साथ लेकर के आया, कोई छोड़ करके आया, अपने शरीर का एहसास तक नहीं रहा, सब कुछ छोड़ करके उसी ओर दौड़ पड़े। जैसे आप ये समझो कहीं दूर आग जला दी जाए और देखते 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 बहुत दूर दिखाई देगी, लेकिन जब देख चलेंगे तो देखेंगे कि पास 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 पास, लेकिन है तो बहुत दूर, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम चलते चले जाते और पास जा करके देखते क्या हो रहा है। उसी प्रकार से उस बांसुरी का जो स्वर था वो हृदय के तारों को छेड़ रहा था, मन के तारों को छेड़ रहा था, अहंकार छोड़ दिया था, चित्त का जो बंधन था वो टूट गया था। भाग ली थी सब की सब गोपियाँ, और वहाँ से शिव भी दौड़े चले आए रास में, और वहाँ सब के सब वृंदावन में इकट्ठे हो गए। ये रास केवल उसी समय से नहीं चला रहा, ये रास आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये सदा से चला रहा है। गोलोक के अंदर ये सदा से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, 5000 वर्ष पहले नहीं चल रहा। कृष्ण जी कोई 5000 साल पहले ठीक है आ गए, अवतार हुआ, लेकिन उनके शब्दों को देखोगे, गीता को उठा करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि वो सूर्य को ज्ञान देने वाले भी वही थे। जब सूर्य भी नहीं था तब भी वो थे। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये किस ब्रह्मांड के देवता हैं? इससे आगे इनको नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। इनके आगे बहुत से ऐसे देव हैं जो अलग अलग, जिनका कार्य है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जहाँ से आदेश शुरू होते हैं। अलग लोक अलग है, अनामी अलग है, साकेत लोक अलग है, शिवलोक अलग है, अलग अलग निरंजन, अलग 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 सारा खेल है, बहुत दूर जाना पड़ता है। आप लोग इस ब्रह्मा विष्णु महेश को ही बहुत बड़ा मानते हैं कि इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता, बस यहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन यहाँ भी सृष्टि चक्र टूटेगा नहीं, मोक्ष का खेल शुरू नहीं होगा। इनके लोकों से गुजर गुजर के जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, आगे मणिद्वीप का लोक भी है माँ जगदम्बा, वो भी इनसे बाहर का खेल है। लेकिन कोई चलेगा तभी तो पहुँचेगा, बस सोचते रहते हैं मैंने जो बोल दिया उसको सुन करके चलते नहीं हैं, बस खो जाते हैं। हाँ ठीक है, चल रहा है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे नहीं चल पाओगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके रास में शामिल हुए। भगवान शिव ने कहा कि मुझे भी कोई रास्ता दिखाई,
दिखाइए। उन्होंने कहा कि पुरुष का प्रवेश नहीं है इस संसार में, पुरुष तो केवल एक ही है। आपको अगर रास में प्रवेश चाहिए तो हे महादेव, आपको स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा, गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे गोपी का रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक पल लगाया और गोपी का रूप धारण किया और रास में शामिल हो गए। सोचिए कितनी बड़ी ताकत होगी, जहाँ महादेव शिव नाच रहे हैं गोपी बन करके, कितनी बड़ी सोच होगी, कितना कौन उतर करके इस पृथ्वी के ऊपर आया होगा। जो अरबों सालों में कभी कभी जिसका अवतरण होता है, धरती के ऊपर अवतार होते रहते हैं, कुछ कलाएं ले करके आते रहते हैं, अपना कार्य करके जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि कोई ऐसा महापुरुष उतर करके आए जिसके हाथ में सब कुछ हो, जो मुक्ति का दाता हो, जो मोक्ष प्रदान कर सकता हो, जो अपने से भी आगे का रास्ता दिखा सकता हो। श्री कृष्ण वो तत्व था जो उस परम तत्व को जानता था, जहाँ तक वो पहुँच सकता है, जहाँ तक वो पहुँचा सकता है, उस पूर्ण तत्व तक। उन्हें एक एक लोक का एहसास है, उन्हें एक एक लोक का ज्ञान है, उन्हें जानकारी है कि गोलोक से ऊपर कितने लोक हैं। वो वहीं से उतर करके आई हुई परम तत्व की परम आत्मा थी, परम चेतना थी, लेकिन उसको समझ नहीं सकते, उसकी एक एक चाल को समझ नहीं सकते। जब उसको खोजेंगे तभी तो समझेंगे। सब कुछ छोड़ करके आ गए और रास होने लगा। इसी को शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा कहते हैं।